नमस्कार, परविंदर के पिटारा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, परविंदर का पिटारा पिछले कई दिनों से जो है श्री बिद्रा ट्रस्ट के हॉस्पिटल में है। आइए, हम यहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर श्री लोकनाथन जी से आपका परिचय कराते हैं। आप पहले भी इनसे मिल चुके हो। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब, हम लोग कहाँ बैठे हैं? आप अभी श्री बिद्रा सरोदय ट्रस्ट के अंदर JR रिहैबिलिटेशन सेंटर जी, जो रिहैबिलिटेशन के लिए यूनिक सेंटर है जी, यह सेंटर में आप बैठे हैं। यहाँ पे सभी टाइप का जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो बच्चों लोग को चलते नहीं, ऐसा लोग बच्चा लोग को, ये लोग को सबको रिहैबिलिटेशन बोला तो पुनर्वसन यहाँ पे करते हैं, तो वो लोग को वापस वो लोग लाइफ में जाने लायक करके देते हैं। डॉक्टर साहब, इस बच्चे को क्या तकलीफ है? ये बच्चा एक्चुअली में जन्म के वक्त उसको जो करोड़ से जो नस ये हाथ को जाता है उसमें ज्यादा सा थोड़ा तनाव बोलते ना खींच किया था, जिससे नस तो एक दो नस उसमें काम नहीं कर रहे, तो क्या ये हाथ थोड़ा कमजोरी है इसको। अच्छा। और ये बच्चा यहाँ पे कम से कम 5 से 6 साल ऊपर से आता है यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ पे ऑपरेशन भी बहुत सारा ऑपरेशन भी इसको हुआ है। अब देखेंगे ये सब नस जो नस काम बिल्कुल नहीं करा था उसको दूसरा नस लेके इसको जॉइंट कराए, ऐसा ऑपरेशन इधर भी हुआ है। अच्छा। अभी इसको थोड़ा काम करने लायक भी हुआ है, इसको यूज कर रहा है अभी इसको। और सबसे बड़ा बात क्या, ये बच्चा अपने आप साइकिल चला के गांव से आता है यहाँ तक जी। और ये पानी के अंदर भी साइकिल चलाता है, एक फुट तक का पानी के अंदर भी साइकिल चला के यहाँ आ सकता है, इतना लायक तो कर लिया हम लोग। अभी हम लोग को ये बच्चा को जो पैरा एथलेटिक स्पोर्ट्स के लिए भी हम लोग कभी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इसको पूरा ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको। वो एक बार पैरा एथलेटिक के जो हम लोग स्टेट लेवल का भी जाके करके आ गया, अभी हम लोग को स्टेट लेवल के लिए इसको बहुत कोशिश कर रहे हैं इसको करने। डॉक्टर साहब, इनकी उम्र कितनी है? इसको उम्र 12 साल। बेटा आपका क्या नाम है? नमस्ते। हैं आदि। तो डॉक्टर साहब, भी आदि को क्या बाई बर्थ या तो डॉक्टर की गलती से हुआ है या कुदरती है? इसमें गलती तो किसी नहीं बोल सकता। एक्चुअली ज्यादा करके इसमें क्या होता है, बच्चा का थोड़ा वजन ज्यादा रहने से क्या होता है, जैसे अभी बच्चा यूजुअली 2.5 किलो रहते जी, अभी बच्चा 3.5 किलो है जी, तो क्या होता है अभी सर तो निकल जाएगा बाहर, लेकिन ये जो खंभा है ना वो बाहर निकलने में दिक्कत होता है, थोड़ा बच्चा खींचने में ये बीच वाला जगह थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ से जो भी नस हाथ में जाता है ये गर्दन से यहाँ से जाता है। तो ये नॉर्मल डिलीवरी हुई है? नॉर्मल डिलीवरी है, ज्यादा दिक्कत होता है। अच्छा, ज्यादा दिक्कत होती है। नहीं तो उसमें हम बोलते हैं ब्रिज डिलीवरी होता ना जी, जो बच्चा उल्टा डिलीवरी होता है तो पैर से डिलीवरी होता है उसको तकलीफ उसको भी होता है। तो डॉक्टर साहब, ये बच्चा जो है अपना आपको आपके हिसाब से कितना परसेंट जो है ठीक हो गया? अभी पहले तो ये आप में बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं था, अभी इसको 30 से 40% तक इसमें मूवमेंट है। और इसमें टाइम इतना मूवमेंट आ गया और इसको अंदर से ताकत भी है, देखा तो कौन सी क्लास में पढ़ता है डॉक्टर साहब? ये 7th पढ़ता है। तो फिर डॉक्टर साहब, ये राइट हैंड है तो कैसे लिखता कैसे है? फिर लेफ्ट पे लिखता है। तो बेटा आपको लेफ्ट में अपने आप आ गया या किसी ने सिखाया? लेफ्ट में अपने आप आ गया। अब बड़े होके क्या बनना चाहते हो? बैंक मैनेजर। अब डॉक्टर साहब को कैसा डॉक्टर समझते हो, या पापा या अंकल या दोस्त, क्या समझते हो? आपको कभी डांटते हैं? तो फिर आप उनको दोस्त समझते हो, क्या समझते हो? आप अपने मुँह से बोलो, आपको प्यार करते हैं तो आप इनको क्या समझते हो? चलो शाही है। अच्छा, बड़े होके जब आप कमाई करने लगोगे तो सबसे पहले गिफ्ट किसको दोगे लाकर? हैं? मम्मी को। मम्मी को क्या गिफ्ट लाके दोगे? मम्मी को हैं? मम्मी को लाके दोगे। डॉक्टर साहब को क्या दोगे? चलो मम्मी तो हाँ पैदा किया अफकोर्स, तो फिर सेकंड नंबर पे किसको लाके दोगे? पापा के लाके दोगे, डॉक्टर साहब को लाके दोगे? हैं? डॉक्टर साहब को क्या गिफ्ट दोगे?
अभी सोचा नहीं है। चलिए ईश्वर करे आप जल्दी ठीक हो जाए, और ना आप रोज आके थैंक यू बोला करो, ये आपके फ्रेंड भी हैं, पापा जैसे हैं, दोस्त हैं, ठीक है, इनको आके पहले नमस्ते बोला करो, ठीक है, थैंक यू बोला करो, और ईश्वर करे आप जल्दी ठीक हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, नमस्ते, खुदा हाफिज़। और अभी हम टाटा बाय बाय नहीं कर सकते, इसके पापा बच्चे के पापा इनके साथ में हैं। जी भाई नमस्ते, नमस्ते। जी बच्चे का अब आपको कैसा लग रहा है कि कैसा? बहुत बढ़िया है अभी तो, पहले बहुत बढ़िया, पहले से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप क्या करते हैं? सलून हेयर कटिंग। सही सर, तो आपको कितना समय देना पड़ता है बच्चे के साथ यहाँ पर? मैं तो कभी कभी आता हूँ, 8 दिन में 1 बार 2 बार, इसकी मम्मी आती है। इसकी मम्मी आती है, अच्छा। तो आपको डॉक्टर साहब ये डॉक्टर लगते हैं या कोई फरिश्ता लगते हैं? अच्छा है, ये मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ, तो डॉक्टर लगते हैं कि फरिश्ता लगते हैं? फरिश्ता लगते हैं, क्योंकि आपके बच्चे यहाँ तक बहुत मेहनत करते हैं और बच्चे से मेहनत कराते भी हैं। तो आज के कलयुग में ऐसे डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये देखिए, ये डॉक्टर और पिता पुत्र की जोड़ी है और फरिश्ता है वाकई। मैंने देखा है बहुत बहुत शहरों में, बड़े बड़े देखा है डॉक्टर्स जो है सब छोटे छोटे टेक्नीशियन पे छोड़ देते हैं और ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट होके इतनी सेवा करते हैं। ईश्वर करे आप ऐसे ही सेवा करते रहे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।